बीएड दी काउंसलिंग दौरान और सीट लेंदे दौरान एडमिशन टेस्ट दे दौरान अक्सर ये विचार चलते रहते हैं कि मेजर ते माइनर सब्जेक्ट पैडागोजिकल सब्जेक्ट की ने, कि मैं मेजर सब्जेक्ट मेरे को है कि माइनर बाद विच मेरा मेजर सब्जेक्ट बन सकता है। एक गल ध्यान नाल सुन लो कि मेजर ते माइनर पैडागोजिकल सब्जेक्ट या मेजर ते माइनर टीचिंग सब्जेक्ट सिर्फ बीएड दी काउंसलिंग या बीएड तक सीमित है। इस तो बाद गवर्नमेंट जॉब लई इहदे मीनिंग नहीं रह जांदे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दियां अपनियां अडिशनल जां वक्खरियां कंडीशनस हुंदियां हन, नॉर्म्स हुंदे हन जिहड़े तुहानूं हर हालत च फुलफिल करने पैंदे हन। इत्थे मेजर शब्द इसलिए वरत्या गया है, बहुत सियाणप नाल वरत्या गया है कि क्योंकि मेजर शब मेजर जिहड़ा सबजैक्ट टीचिंग पैडागोजिकल कॉम्बीनेशन है वह मिनीम 3 ईयर तुसीं पढ़िया होना चाहिए है, यह रख्या जाता है। ठीक है जे 3 ईयर का फायदा है कि यह बी एड कराते समय तू इसलिए रख्या जाता है कि घट्टो घट एक कैंडीडेट एक सबजैक्ट लिए गवर्नमेंट जॉब लिए एलिजिबल हो जाए, पर 3 ईयर दे एक क्राइटीरिया नाल दे बावजूद भी कई बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हुण इसको यह समझ लीए कि मेजर सबजैक्ट कॉम्बीनेशन अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी या बी एड विच की होंदा है, किसी भी यूनीवर्सिटी सेम ही है। एडमिशन टू बी एड कोर सबजैक्ट बेस्ड देखो सबजैक्ट बेस्ड एडमिशन है, मतलब कि तुम्हें टीचर बनाना है, इट मीनस मिनीम 2 सबजैक्ट्स लिए टीचिंग स्किल डिवेलप किए जाएंगे, तुम्हें टीचर बनाया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब लिए तुम एलिजिबल हो सको। सो एक सबजैक्ट बेस्ड है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ईच कैंडीडेट शैल ऑप्ट टू टीचिंग और पैडागोजिकल सबजैक्ट विच हैव बिन स्टडीड एट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लैवल। द कैंडीडेट मस्ट हैव स्टडी द मेजर सबजैक्ट ऑफ द पैडागोजिकल कॉम्बीनेशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, मतलब 3 साल तुम जो ग्रेजुएशन पढ़िया है ज 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़िया है वह सबजैक्ट ही मेजर फिल किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट गल कि गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी द्वारा जी काउंसलिंग प्रोसीजर चल रहा है तुम्हें वो सिर्फ मेजर फिल करना है, माइनर तुम्हें कॉलेज ने देना है, कॉलेज ने वेरीफाई करना है कि मेजर लिए भी तुम एलिजिबल सी कि नहीं। यूनीवर्सिटी कुछ भी वेरीफिकेशन थोड़ी नहीं होनी, सारी वेरीफिकेशन कॉलेज जिथे तो जो कॉलेज तुम यूनीवर्सिटी द्वारा अलॉट होया है। सो 3 साल ये हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, 2 साल हैं। द माइनर सबजैक्ट शुड हैव बिन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, की मतलब बनिया कि मेजर इतने देख लें ग्रेजुएशन विच मेजर जड़ा है पढ़िया होवे, इसनू होर कोई कलर ले लिए वाला, ग्रेजुएशन विच मेजर सबजैक्ट 3 ईयर्स पढ़िया होवे, ओके, और माइनर इन्होंने लिखा है 1 ईयर पढ़िया होवे मिनिमम, पीजी विच 2 ईयर पढ़िया होवे, ओके, तो ये माइनर रहना ही है नैचुरली, ग्रेजुएशन के बेस पर मिलेगा। पी ए पोस्ट ग्रेजुएशन च की सबजैक्ट पढ़ते हाँ हाँ इलैक्टिव सबजैक्ट नूं तुसीं मेजर चूज करो, फॉर एग्जाम्पल इलैक्टिव इंग्लिश, इलैक्टिव पंजाबी, इलैक्टिव हिंदी, है ना, संस्कृत, ये जिहड़े ऑप्ट करते हैं असीं सबजैक्ट, क्योंकि इलैक्टिव के बेस पर गवर्नमेंट लिए असीं ज़्यादा एलीजिबल मनते हैं। सो मेजर सबजैक्ट उही प्रैफर करो। सो इलैक्टिव होवे लेकिन इत्थे लिखिया नहीं गया, तुहानूं बी एड करा दिती जाएगी लेकिन इत्थे लिखिया नहीं गया, ओके ईयर हो गया। इंटीग्रेटेड दा की कंसैप्ट है, जिमें टीचिंग ऑफ साइंस है, साइंस इंटीग्रेटेड सब्जैक्ट है, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस है इंटीग्रेटेड सब्जैक्ट है। सो साइंस विच NCT द्वारा ते यूनिवर्सिटी द्वारा जिथे तुसी एडमिशन लेनी है, पंजाब विच वेरिएशन है, उत्थे इंटीग्रेटेड सब्जैक्ट दे घट्टो घट 2 सबजैक्ट तुसी पढ़े हुए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइंस है, साइंस विच जिदा बायोलॉजी, कमिस्ट्री, फिजिक्स है, मिनिमम 2 तुसी पढ़े होंगे ता तुहानू टीचिंग ऑफ साइंस मिलेगा। लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ते पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दियां कंडीशनस रिलैक्स ने, वो मैं होर वीडियो विच दस दांगा। SST विच भी 13 जो सबजैक्ट दिते गए ने, 13 सबजैक्ट के विचों तुसी 2 पढ़े हुए होने चाहिए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल सबजैक्ट 13 जो है, इकनोमिक्स, जोग्राफी है, पोलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इना विचो प्रैफर इना चो ही तुहानू करना चाहिए है। लेकिन सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, पंजाब गवर्नमेंट के 7 सबजैक्ट ने, लेकिन NCT ने 13 सबजैक्ट दिते हुए, नैचुरली है कि जो तुम पंजाब के हो तो 7 विचों पढ़ने चाहिए हैं, पर स्कूल विच 4 होंगे ने। मैं ही सुजैसट करदा कि उन्होंने 4 सबजैक्ट ही
ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਐਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ ਬੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸੋ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਇੰਸਿਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜੇਕਰ 1 ਸਾਇੰਸ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਾਕੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰੇਟਡ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਈ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋਮਸ ਪਿੱਛੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੀਨ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਜਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਵਿੰਗ ਆਨਰਸ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਨਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਨਰ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉਹ ਆਨਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮਾਈਨਰ ਉਸਨੇ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਲਾਈਜ਼